आजम खां कोई भी फैसला ले, आजम खां कोई भी निर्णय ले, अब गेंद उनके पाले में है, ये तो भविष्य बताएगा। इसमें हो सकता है समय भी लगे, हो सकता है कोई निर्णय भी ना हो, लेकिन जो मैसेज AIMIM देना चाह रही है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, या पार्टी जो बात कह रही है चुनाव प्रचार के दौरान से कि समाजवादी पार्टी हितैषी नहीं है, वो बात इस पत्र से और पुख्ता की गई है। वो मैसेज जो जनता को दिया जा रहा है वो इस पत्र से और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और आप बता रहे हैं कि 3 पन्ने का ये खत है और 3 पन्नों के खत में समाजवादी पार्टी पर ही अटैक किया गया है, और यही अटैक हमने देखा दिसंबर से लगाए पूरे मार्च में 4-5 महीने जब ओवैसी घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उनके निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रहते थे अलग अलग विषयों पर। मोइन, अब यही समझा जाए कि ये पत्र उसी दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में सियासत करनी है, देश में सियासत करनी है, तो आज भी खासकर अगर उत्तर भारत की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ जातियों की राजनीति होती है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोई एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ होना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार पिछले अगर हम 5-7 सालों की बात करें, जब से वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए हैं 2017 के विधानसभा चुनाव से, लगातार वो मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में रहते हैं। इस बार उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जो ध्रुवीकरण हुआ उसमें उनकी पार्टी साफ हो गई, पूरे मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए, और इसका जो है, लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम की चर्चा हुई चुनाव के ठीक बाद। जैसे ही नेता विरोधी पद पर खुद अखिलेश यादव काबिज हो जाते हैं, तो एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि आखिर आजम खान क्यों नहीं। आजम खान के मीडिया प्रभारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, एतराज जताया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं, और जिस नाराजगी की बात की जा रही है उसी नाराजगी को कैश कराने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी है, उनकी पार्टी है, मुस्लिम समुदाय को संदेश देने की कोशिश है। हालांकि यह कोशिश सियासी तौर पर कितनी कामयाब होगी इसका पता तो बाद में ही चल सकेगा।